दशहरा पर पूजा करने जा रही तीन बच्चों की मां को रिश्ते के भतीजे ने ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित महिला ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। मामला थाना करहल क्षेत्र का बताया जा रहा है। करहल थाना क्षेत्र की ग्राम निवासी महिला को मंदिर जाते वक्त युवक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसके बाद महिला ने करहल थाने की शरण लेते हुए अपनी आप बीती सुनाई। बताते चले कि करहल थाना क्षेत्र के ग्राम किरतुआ निवासी सत्यवीर की पत्नी बबली, बदला हुआ नाम, गांव के बाहर बहराइच बाबा के मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए जा रही थी। तभी रिश्ते के भतीजे इंद्रेश ने आवाज लगाते हुए सब्जी के पैसे अपने बड़े भाई को देने की बात कही। इतने में पैसे लेने जाते वक्त आरोपी ने महिला को दबोच लिया, जिसके बाद उसने अपनी हवस का शिकार बना डाला। मेरा नाम सुनील कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पलिया है सर। क्या मामला हुआ? सर मेरी भतीजी थी, छोटी सी उम्र है उसकी 4 साल, वो स्कूल लड़की चल रही थी, लोग का चैया सनक अमर सिंह, तो लड़की चिल्लाना चिल्लाने लग गई तो मैं उसे छुटाने गया। तब तक वो मक्का खेत में खींच रही थी, तो लड़की छुटा के मैंने आके उनसे शिकायत करी घर वालों से। शिकायत करने से पहले मेरे ये टकोरा मार दिया सर। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम खुशी है सर। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का राधा किशन। कितनी साल है उम्र? उम्र 29 साल होगी। पिता की लड़की 4 साल है। नहीं नहीं, लड़की की कितनी साल की? 4 साल है सर। और जो लड़के ने छेड़खानी की है वो कितने साल की? वो 12, 13, 14 साल की है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस सर मेरा चालान कर दिया, वो उसकी नौकरी माना। मैं पुलिस की डरता हूँ, एक बार मेरी पहली खबरी हो गई थी 29 तारीख को 4 में, तब मैं FIR करने आया था, तो वहाँ से भी मेरा चालान कर दिया था सर। इस डर से फिर मैं ये चूड़ खा के, मतलब पुलिस जाती थी तो मैं भाग जाता था सर, रिपोर्ट करने नहीं आए थे। आज ये ससुर साहब हमारे यहाँ ये लिवा के जबरदस्ती लाए हैं, तो वहाँ पर मुझे बैठा लिया, थाने में चालान कर दिया, बस नौकरी माना के लिए मुझे। मतलब आपकी भतीजी के साथ छेड़खानी हुई और आपका ही चालान कर दिया? जी, उसने अपने हाथों से सिर फोड़ के, मतलब यहाँ से डॉक्टरी करा ली करहल से और थाने में दे दी, उसने मेरा चालान। महिला अगीला कर देते वो? महिला को अगीला करते हैं सर। इना सर, कहाँ के रहने वाले? किरथुआ। क्या मामला था पूरा सर? मैं बैराज बाबा से जा रही थी पूजा करने, पूजा कर कर वापस लौटी, हाईवे को दूर था बैराज बाबा, वापस लौटी सो उधर खड़ा था, सो उसने बोला आंटी जी मेरा वो देखो रुपए लेते जाओ 50, मेरे भाई को दे देना कन्हैया को। सो मैंने 50 रुपए लेने के कारण मैं खड़ी हो गई सर। सो उसने मुझे 50 रुपए पकड़ाए और मेरा मुंह दबा दिया, मुंह दबा करके फिर मुझे वहीं गिरा लिया, गिरा करके मेरे प्रसाद वरसाद सब बिखर गया। और जब उसने मेरे साथ गलत काम कर लिया, मैंने कहा छोड़ो, बहुत तेज से मैं चिल्लाई छोड़ दो, तब उसने मुझे छोड़ा नहीं। जब उसने बाद में छोड़ दिया, तब मैंने हाईवे पे चढ़कर उससे बोला कि अब तेरी मट्टी हम छटवा देंगे बिल्कुल, जो तूने मेरे साथ गलत काम कर दिया। कितनी देर तक किया है? मुश्किल से 2 मिनट। इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनपुरी। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनपुरी। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनपुरी। ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा, सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर एक्सीडेंट एवं कंसॉर्ट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, रसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, AC की सुविधा, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176।